तो दोस्तों आज मेरे पास है ओप्पो K3 और रियलमी X। ओप्पो K3 16,999 में आपको मिलता है 6 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, और रियलमी X में आपको मिलता है 16,999 में 4 GB रैम और 128 स्टोरेज। तो इन दोनों का प्राइस कैटेगरी सेम है या दोनों ही सेम कंपनी का ही है, ओप्पो है और ओप्पो का बेटा रियलमी। तो इस दोनों में हम आज करेंगे जियो का स्पीड टेस्ट, जियो नेटवर्क स्पीड टेस्ट कैसे देते हैं। तो कुछ लोगों का फेवरेट है ओप्पो और कुछ लोगों का अभी रियलमी फेवरेट बन चुका है, लेकिन इतना पैसा खर्च करके अगर आप फ़ोन लेना चाहते हो तो देखेंगे लेने के बाद रियलमी एक्स का नेटवर्क स्पीड ज़्यादा होता है या फिर ओप्पो K3 का नेटवर्क स्पीड ज़्यादा होता है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कि बाद में आप सोचेंगे हम उस फ़ोन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे को इस फ़ोन में नेटवर्क स्पीड कम हो रहा है। तो इसीलिए उसका अगर आंसर आप चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखो, तो आपको पता चल जाएगा नेटवर्क स्पीड कौन फास्ट देता है और कौन स्लो दे रहा है। तो दोस्तों एक नया वीडियो में फिर से आपको स्वागत करते हैं, मैं और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल रहने। तो चलिए देख लेते हैं रियलमी एक्स के साथ ओप्पो K3 का नेटवर्क स्पीड टेस्ट। तो दोस्तों ये है आपका ओप्पो K3 और इधर है आपका रियलमी एक्स। तो हम लोग इसमें करेंगे जियो का स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पे जियो चल रहा है, आप देख रहे हैं वोल्टी वोल्टी दोनों में ही लगा है। तो चलिए स्पीड टेस्ट ऑन करते हैं पहले दोनों का ही। तो ऑन कर दिया यहाँ पर, और ये जियो है वो भी जियो है, तो फाइन सर्वर फाइन कर रहा है, सर्वर फाइनल हो गया। अब हम बोलते हैं गो, तो ये होगा फर्स्ट टाइम। ये आपका रियलमी एक्स, ये आपका ओप्पो K3, देखते कितना स्पीड ज़्यादा है। दोस्तों फर्स्ट टाइम आपने देखा डाउनलोड स्पीड में रियलमी एक्स का हो गया 4.74 MBPS और ओप्पो K3 में हुआ 1.82 MBPS। और अगर अपलोड का बात करेंगे यहाँ पर अपलोड में ओप्पो K3 5.59 MBPS और रियलमी एक्स 1.55 MBPS। चलो सेकेंड टाइम करते हैं एक बार। सेकेंड टाइम में अगर हम देखें इस बार भी रियलमी एक्स ही जीत गया है और रियलमी एक्स का हो गया है लगभग 10 MBPS, 9.48 MBPS, और इधर ओप्पो K3 का ओनली 2.39 MBPS। तो दो बार ही रियलमी एक्स विन हुआ। और अगर अपलोड स्पीड देखेंगे तो अपलोड स्पीड में ही दो बार ही ओप्पो K3 विन हुआ। इस बार ओप्पो K3 का अपलोड स्पीड है 4.83 और रियलमी एक्स का 2.4। चलिए थर्ड टाइम और लास्ट टाइम कर लेते हैं, इस बार इसमें क्या रिजल्ट आता है एक बार देखते हैं। और इस बार भी लग रहा है रियलमी एक्स का ही विन होगा, क्योंकि रियलमी एक्स बहुत ही फास्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर ओप्पो K3 का हो गया 2.71 MBPS और इधर रियलमी एक्स का हो गया 8 MBPS। तो तीन बार ही आपका रियलमी एक्स विन, और ओप्पो K3 तीन बार ही लॉस्ट हो गया डाउनलोड स्पीड में। लेकिन अगर अपलोड का बात करेंगे अपलोड में तीन बार ही इस बार भी विन हुआ ओप्पो K3। तो अपलोड में हर बार ओप्पो K3 जीत रहा है और डाउनलोड में रियलमी एक्स जीत रहा है। तो दोस्तों यही था रियलमी एक्स के साथ ओप्पो K3 का नेटवर्क स्पीड टेस्ट, डाउनलोड और अपलोड स्पीड। तो हर बार तीन टाइम ही मैंने देखा रियलमी एक्स विन कर रहा है बहुत ज़्यादा मार्जिन से। तो तीन बार में ही रियलमी एक्स डाउनलोड स्पीड में विन हुआ और तीन बार ही ओप्पो K3 अपलोड स्पीड में विन हुआ। तो हमें अपलोड में इतना ज़्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि डाउनलोड स्पीड हमें ज़्यादा मायने रखते। तो अगर अभी भी आप सोच रहे हैं रियलमी एक्स लूँगा या फिर ओप्पो K3 लेना है, तो आप आग बंद करके रियलमी एक्स ले सकते हैं। नेटवर्क स्पीड के मामले में तो रियलमी एक्स बहुत ही फास्ट है ओप्पो K3 से, हालांकि वो दोनों में सेम कैटेगरी का प्रोसेसर लगाया हुआ है, सब कुछ सेम है, सिर्फ इसका कैमरा अलग है और
उसके अलावा सारे चीज़ सेम है, फिर भी नेटवर्क स्पीड के टाइम ओप्पो के थ्री को बहुत पीछे कर दिया है रियलमी एक्स ने। तो यही था रियलमी एक्स के साथ ओप्पो के थ्री का नेटवर्क स्पीड डिटेल्स, और भी बहुत सारे वीडियो आएगा इसका, इसके लिए आप मेरे चैनल पे बने सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल पर नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज़ लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आज इतना ही, बाय।